लगाओ कि हाँ यहाँ पे थोड़ा खतरा टाइप जाता है। जगह मणिपुर में, मणिपुर में फायरिंग हुआ, हमारे साथ का शहीद भी हुआ। अच्छा, उसके बाद जम्मू में पुलवामा में हमला हुआ था उस टाइम में, और इधर चाइना के पास ये सब करके आए। अच्छा, हाय दोस्तों, मैं अभिषेक और आज मैं हूँ लेह लद्दाख में, जो कि है इंडिया की यूनियन टेरिटरी। तो लेह में आने के बाद आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि मेरे को हुई। तो इसलिए आपको रेस्ट करने के लिए बोलते हैं होटल वाले पूरे 24 घंटे या 48 घंटे, क्योंकि आप इतने लो एल्टीट्यूड से इतने हाई एल्टीट्यूड पर आ रहे हैं तो आपकी बॉडी में चेंज तो आएगा ही आएगा, इसलिए ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए आपको रेस्ट करने के लिए बोलते हैं हमेशा। लेह में आने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ है वो है कोविड की RT-PCR रिपोर्ट, जो लास्ट 72 आवर्स में होनी चाहिए आपकी। और ये रिपोर्ट होगी लेह के एयरपोर्ट पे चेक, और ये मैंडेटरी है, चेक होगी। अगर आप रिपोर्ट नहीं करवाते हो तो आपको यहाँ पे रैपिड टेस्ट करवाना पड़ेगा, जो कि इतनी लाइन रहती है, कम से कम आपको 2 से 3 घंटे यहाँ पे वेस्ट हो जाएंगे, इसलिए आप करवा के आओ। आने के बाद आपको नॉर्मल सी बात है, अगर आपका कोई पैकेज है तो आपको कैब पिक कर लेगी, अगर नहीं है तो आप अपने होटल में जाओ कैब पिक करके, जो कि 500 से 600 रुपये लेगी। तो ये है हमारा होटल, होटल मंडाला। ये है इसकी पार्किंग, और ये है कुछ मस्त ब्यूटी वाला सीन। मैं इसके टॉप पे खड़ा हूँ। अगर आपको दिख रहा होगा ना, तो लेह में ज़्यादातर लोग वुडन काम ही करवाते हैं। देखो सारे में, ये एक होटल ये है, और एक होटल वो है, उधर भी वुडन काम हो रखा है। एक होटल वो है, उधर भी वुडन काम हो रखा है। यहाँ पे ना जितने भी होटल है ना, सारे में वुडन काम से ज़्यादा करवा के रखते हैं। एक बार मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। ये होटल के लिए छोटी छोटी सीट लगा रखी है, यहाँ पे बैठ के खा पी सकते हैं। ये है सेब का पेड़ है, तो छोटे छोटे सेब भी आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये 2 रूम हमारे हैं, एक है 315 और एक 316। तो रूम सारा गंदा पड़ा है। ये रही विंडो, और वहाँ से मैं वीडियो बना रहा था, अभी वहाँ से आके मैं ऊपर आया हूँ। एक बार व्यू देखो कितना बढ़िया लग रहा है। इसके सामने क्या मनाली, क्या उत्तराखंड और क्या शिमला। यहाँ का लुक ही सच में इतना बढ़िया है ना, आप खुश हो जाओगे। और ये है वॉशरूम यहाँ का। तो आज का क्या क्या प्लान है, कहाँ कहाँ हमें जाना है। शांति स्तूपा हम कल कवर करने वाले थे, कल हमने इसलिए कवर नहीं किया क्योंकि कल ईद थी, इसलिए वो भी हम आज ही कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे ब्रेकफास्ट, जो कि बुफे में होगा। एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे डाइनिंग हॉल में, ये डाइनिंग हॉल, ये है खाने का। ये आ गया हमारा टेम्पो ट्रैवलर। आज हम जाएंगे शांति स्तूपा, गुरुद्वारा, मैग्नेटिक हिल और संगम। ये 4 चीज़ें हम आज के दिन कवर कर रहे हैं। पहली चीज़ हमारी जो है आज की, वो है हॉल ऑफ फेम। देख लो, जस्ट इसके सामने ही खड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ पे टिकट का क्या प्राइस है, मैं आपको एक बार दिखा दूँगा। यहाँ पे एक अडल्ट का है 200 रुपीज़ ईच, और अगर वीडियो कैमरा यूज़ करना है तो आपको 100 रुपीज़ ईच देने पड़ेंगे, और अगर मोबाइल फ़ोन ले जाना है तो 20 रुपीज़ ईच देने पड़ेंगे। इसमें हॉल ऑफ फेम में सारा आर्मी से रिलेटेड होगा। ये हॉल ऑफ फेम में एंट्री होते हुए ये हो गया मैं एग्जिट। मतलब इस आर्मी के म्यूज़ियम में आके इतना प्राउड फील हो रहा है ना, मतलब ये मान लो कि एक किसी भी एक्टर से मिलने के बाद जो प्राउड फील होता है ना, इतना प्राउड फील हो रहा है। पता नहीं मैंने आज क्या करा है, कितने बड़े लोगों से मिला हूँ मैं। तो आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाऊँगा। मैंने एक बंदे से बात भी करी थी, वो आर्मी में था, कि यहाँ पर क्या पोस्टिंग रहती है, कितना टाइम रहता है। ये हमारा सेकंड पॉइंट, गुरुद्वारा पत्थर साहब। तो जस्ट मेरे पीछे है गुरुद्वारा पत्थर साहिब, आपको दिख रहा होगा ये रहा सारा। यहाँ पे फ़ोटो और वीडियो अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने फ़ोटो वीडियो बनाई नहीं है। जस्ट गुरुद्वारा के सामने एक स्टेज जा रही है और सबसे ऊपर टॉप पे हम उसी पे चढ़ रहे हैं। उसी वहाँ से आई है और वहाँ ख़त्म होगी जहाँ फ्लैग है, और स्टेट से ही जाना पड़ेगा। अभी तो हमने 10% भी पूरा नहीं किया और जितने में सांस फूल रही है। तो क्या व्यू आ रहा है और कितना ऊपर हमें जाना है अभी। ये व्यू देखो यार, ये सारा गुरुद्वारा है। सीढ़ी काट काट के बना रखी है। ऊपर ना, ऊपर थोड़ी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, इसलिए कम ही लोग आते हैं यहाँ पे ऊपर। बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही है भाई, बहुत ऊपर आ गए हैं। तो वो दिख रही है ना, वो छतरी कह रहा हूँ, झंडा, वहाँ तक जाना है। हाय राम, पर जो यहाँ से लुक आ रहा है ना, अलग ही बात है भाई। सो वहाँ से हम आ रहे हैं और फाइनली हम अपने टॉप पे आ गए हैं। यहाँ पर कुछ है नहीं, पर जो व्यू है ना उसकी बात ही अलग है, वो आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। देखो यार, मज़ा तो वहाँ से भी आया था, उधर नीचे से जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है, वो खड़ी है ना पार्किंग में बहुत सारी कार्स, मज़ा तो वहाँ से भी आ रहा था। पर जो यहाँ इतनी अच्छी धूप आ रही है और इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, उसका तो मज़ा ही अलग है। तो लोगों ने क्या कर रखा है, देखो ये बना रखे हैं कितने सारे, वो सारे में बना रखे हैं, दिख रहे होंगे आपको। पिट्ठोरम नहीं होते इस टाइप के, सारे में बना बना के रखे हुए हैं लोगों ने। ऊपर चढ़ने के बाद हम नीचे जा रहे हैं, धीरे धीरे स्टेयर्स उतर रहे हैं। अब इतनी थकान नहीं हो रही है जितनी चढ़ने में हो रही थी यार, फिर लोग अभी भी ऊपर आ रहे हैं। यहाँ के गुरुद्वारा की अगर एक आपको बात बताऊँ ना, तो यहाँ पे एंट्री में जो हम सर पे बांधते हैं ना, वहाँ पर भी इंडियन आर्मी के बंदे खड़े हैं। जो प्रसाद दे रहे हैं वहाँ भी इंडियन आर्मी के बंदे ही दे रहे हैं, अंदर जो बंदे हैं वहाँ भी इंडियन आर्मी के ही हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ किसी पोस्टपेड सिम ही चलती है, चाहे आप BSNL ले लो, एयरटेल ले लो या फिर जियो ले लो, प्रीपेड कोई भी नहीं चलेगी। या फिर आप जब आओ तो चेंज करवा के आना प्रीपेड से पोस्टपेड में। लंच करने के बाद हम आए हैं संगम। तो ये है कुछ व्यू संगम का, कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़। और ये दो, एक नदी वहाँ से आ रही है और एक नदी यहाँ से आ रही है। तो इस पॉइंट का नाम है संगम पॉइंट, जहाँ पे इंडस रिवर और जंस्कार रिवर दोनों आके मिलती हैं। ये इंडस रिवर का देखो फ्लो कितना धीरे है और जंस्कार का कितना तेज़ है। हम आ गए हैं मैग्नेटिक हिल और कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे। जिनकी छोटी गाड़ियाँ ना वो बीच में लगा देते हैं, जिससे वो स्लोप तो देखो उधर को जा रहा है पर गाड़ी ना इस तरफ जाती है। यहाँ डाउन है और वहाँ अप। लोग देखने के लिए पानी भी डालते हैं यहाँ पर। आपको मैग्नेटिक हिल पे ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ पे एक दो गाड़ी मिल जाएगी और ये छोटा सा छोटी सी कैंटीन मिल जाएगी। और ये रहा सामने छोटा सा टॉयलेट, वो सामने लिखा मैग्नेटिक हिल। और मैंने आपको जो बोर्ड दिखाया इस पर लिखा हुआ है गाड़ी स्लोप वहाँ पे है पर गाड़ी इस तरफ जाती है उल्टा। कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं यहाँ पे, आपको एक भी पेड़ नहीं दिखेगा। तो लोग वहाँ पे जा भी रहे हैं, दो लोग जा रहे हैं मैग्नेटिक हिल के पास। और जो यहाँ पे फ्लैग लगा रखे हैं ना, ये स्कूटर चलाने के लिए है। यहाँ पे देखो वो स्कूटर लेके आ रहे हैं। यहाँ पे हम इसलिए नहीं चला रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा धूल मिट्टी है। हम नुब्रा वैली में ही स्कूटर चलाएंगे। तो ये है हमारी आज की लास्ट डेस्टिनेशन, शांति स्तूपा, जस्ट मेरे पीछे है। पहाड़ी पहाड़ है इसके आसपास। और ये दिखती है लेह सिटी। कितना ऊंचा बना रखा है यार। सबसे पहले शांति स्तूपा जाने के लिए आपको शूज़ उतारने पड़ेंगे नीचे ही। यहाँ पे हम शूज़ उतार लेते हैं। शांति स्तूपा के पहले फ्लोर पे चढ़ गया हूँ मैं। यहाँ पे ऑक्सीजन में थोड़ी कमी है तो इसलिए ना सांस ना बहुत लंबा लंबा लेना पड़ रहा है। आपको शांति स्तूपा के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ, जैसे कि ये लेह सिटी के बीच में हाईएस्ट पॉइंट पे लोकेटेड है, जहाँ से आपको पूरी लेह सिटी दिख जाएगी। ये सारी लेह सिटी बनी हुई है पहाड़ों के बीच में। और ये है सबसे हाईएस्ट पॉइंट लेह में, शांति स्तूपा।